हेलो सारिया मेरी प्यार भरी सत श्रीकाल जी। कौरजिंदर पंजाबी ब्लॉग में स्वागत है। तो वाहगुरु करे तुसी खुश रहो, चढ़ती कला चढ़ो। तो ब्लॉग की शुरुआत गाइस तुसी देख ही रहे हो जिवें अजकल चल रही सी सफाइया। तो आप सारिया सफाइया वैसे कर चुके सी, अजकल ना मटे मटे थोड़ा बहुत जिवें जाला लग जाता। तो मैं क्या चलो जाले देखते हैं। तो पर्दे पुर्दे मैं सारा कुछ लगा चुकी सी, तो बहुत वधिया तरीके ना असीं सफाइया सारिया नबेड़ ही लईआं। तो इधर मैं क्या चलो उन्होंने बैडशीट बदल लैंदे हां। तो आह वाली बदली सी मैं बैडशीट, बाकी जो काम करती हाँ तो थोड़े ना उस तरह ही ब्लॉग शेयर करती रहूँगी। ठीक है जी, बहुत सारा प्यार देने लिए बहुत सारा धन्यवाद सारिया भैनों का। तो अजकल तो सब सारिया भैन अपने अपने कामों बहुत बिजी होनगियां, क्योंकि दिवाली के हर घर के काम चल रहे हैं, है ना। तो इस करके मेरे अजकल भैन बहुत घट आ रही, तो कई भैन के कमेंट भी नहीं आ रहे। तो मैं क्या चलो नाले ब्लॉग की शुरुआत कर दी हाँ, तो उस तरह थोड़े ना वीडियो शेयर कर दी। तो इधर मैं देन लगी सी बूटियां नूं पानी, बहुत सारे बूटे तुहानू पता थोड़े मौसम वैसे तो ठीक हो गया, अजकल पानी ज़्यादा तो नहीं पाई, तो तीजे चौथे दिन हूँ मैं पा दिनी हूँ। तो मैं क्या चलो सारे बूटियां नूं पानी दे दें, तो बाकी होर जो काम करांगे उस तरह ही थोड़े ना वीडियो शेयर कर दी जाएंगे। तो प्यारा जे लाइक कमेंट तो शेयर जरूर करया करो। जिहड़ियां भैणां मैनूं जुड़ियां जिथों वेखदियां मैनूं अच्छे अच्छे कमेंट करया करो, ठीक है जी। बहुत वधिया लगता, बहुत सारा धन्यवाद तुहाडियां सारिया भैणां दा। साठ पता कर दो तो। लो जी इधर बनाने लगे सी रोटी, तो इधर थोड़न लगे सी साडा आटा, थोड़ा जिहा ना आटा घट सीगा। फिर इधर करती सी चाह, खेतां चो आ गई सीगे स्नेहा कि रोटी जानी चाह जानी जे, मैं फटाफट मैं क्या चाह बनानी है। तो इधर गुन लैने आपां नाल दी नाल आटा, जब तक वो आटा बनूगा ये अठर के ठीक हो जूगा, क्योंकि ताज़ा ताज़ा आटे की ना रोटी नहीं वधिया बनती हैगी। तो उधर लाई असी मशीन, बहुत सारे छोटे छोटे काम का तुहानू पता ही है, सवेरे ही काम ज़्यादा होंगे नहीं है, दोपहर तक शाम को वैसे साढ़े इन्ने काम नहीं होंगे जिन्हें सानू भज्जा दौड़ी सवेरे पैंदी है। तो गाइस हुण तां तुहानू पता मौसम बदलता जा रहा है, मौसम बहुत बदलन लग गया, थोड़ा सवेरे शाम ना ठंडका ठंडका जिहा होण लग गया।
ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਚਲੋ ਗਾਈਜ਼ ਇੱਧਰ ਧੋਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਅਨਡਰਾਇਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਟਾਫਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਸ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਰੇਲਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਬੇਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਡਰੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰੇਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਓ ਓਨਾ ਪੁੰਨ ਮਿਲਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਣਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮਰਾ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੇ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੀ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ लो गाइस इधर बनावांगे आपां भरमी बैगनी जिहड़ी भरमी बैगनी बनानी हुंदी है ना आपां नूं छोटी छोटी छांट लैणी ठीक है जिवें इहदे विचों छोटी छोटी हुंदियां ना इस तरह छांट के आ देखो इदां करके फिर विचों चीरा दे लैणा आ देखो इदां चीरा दे लैणा ठीक है जी विचों चीरा दे के फिर आपां जो जो मसाला भरांगे उसे तरह तुहाडे नाल मैं वीडियो शेयर करांगी तद तक तुसीं बने रहो ते मैं तुहानूं बैं तद तक मैं कट लैणी आ बैगनी इह बनावांगे आपां अज्ज दो तरह दी बैगनी ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਂਗਣੀ ਖਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਗਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋ ਗਾਈਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਬੈਂਗਣਾ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਟ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਰਮ ਉਹ ਤੇਲ ਮੈਂ ਰੱਖਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਭਰਮੀ ਬੈਂਗਣੀ ਬਣਾਉਂਗੀ ਤੇ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਬੈਂਗਣ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਹਲਦੀ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਮਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਹਲਦੀ ਹਲਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਮਿਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨਾ ਆਲੂ ਬੈਂਗਣ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦੇਣਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਕੋਈ ਝੰਝਟ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਝੰਝਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਲੂ ਬੈਂਗਣ ਝਟਪਟ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢੱਕ ਦਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਗਣੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਭਰਮੀਆਂ ਬਣਾਉਂਗੀ ਸੁੱਕੇ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਸੇਮ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਖੜੇ ਰਹੋ ਤੱਕ नमक नमक ले लेना जिन्नी बैंगनी है ना उस हिसाब नाल नमक ले लेना ठीक है जी हुण पा लेनी हल्दी दूजे नंबर ते हल्दी पा लो हल्की जी पा लो ए लाल मिर्च
जिनी तुसी पाना चाहो एदे विच ही पा लो तुसी गरम मसाला। ठीक है जी, गरम मसाला पा लो। हुण पावांगे जी एदे विच आपां सब तो पहला सब तो एक पावांगे जी आमचूर पा लेना। आमचूर जरूर पायो, इहदे नाल बहुत वधिया खट्टा मिठा टेस्ट आंदा है। इहदे च पा देंगे जी हुण आपां भुन्निया होया जीरा, और हुण पा देंगे जी लास्ट विच इहदे विच आपां पावांगे काली मिर्च। हुण इहनूं चंगी तरह ना आपां रला लेना है। ठीक है जी, सारे मसाले नूं बहुत वधिया तरीके नाल रला लेना है। हुण आपां इहनूं रला के फिर भरांगे इहदे च। तो लो जी हुण एक एक बैंगनी करके आपां इहनूं इदां ओपन करके खोल लेना। ठीक है, हुण इहदे विच इह वाला जिहड़ा रलिया होया मसाला ना आपां इदां भरदे जाणा, इदां भर भर के पहलां सारियां नूं आपां एक वारी भर लांगे। लो जी इदां करके भर के रख लैणियां ने। फिर आपां जिवें तेल साडा हो जांदा जी गरम, ते लो गाइस आ देखो हुण आपां तेल हो गया गरम। इहदे च ना थोड़ा ज़्यादा तेल लै लेना, फिर बाद चो ना अपना तेल साइड ते हो जाएगा। ठीक है, इसे तरह ही आपां देखो भरमी बैंगनी है जिहड़ी सारी भर ली सी ना तुसीं देख रहे हो, हुण इहने इदां इदां करके आपां सारी बैंगनी नूं रख देना। ठीक है जी, लो जी इहदे विच रख के हुण इहनूं आपां फिर ढक देवांगे। देखो एक एक बैंगनी करके तुसीं इदां जिहड़ा भरवा पासा ना हले उपर रखियो, बाद चो फिर इहनूं आपां पलट दांगे जो साडी बैंगनी थोड़ी जी भाप जा जाए। इदां करके जिहड़ा बचा है मसाला ये भी तुसीं उपर ही पा दिओ। ठीक है जी, हाँ देखो तुसीं ध्यान नाल देखो इदां करके मसाले नूं पा देना। ठीक है, हुण इहनूं आपां सिम ते करके ढकना, बिल्कुल सिम ते कर देना ते इहनूं ढक देना। ते लो जी आपां पहलां वाले आलू बैंगन दी सब्जी नूं तड़का लाया सी ना, हुण आपां इहनूं देख लैंदे हां। ठीक है जी, आलू तां किन्ने वधिया तरीके नाल बन गए हैं और ये देखो किन्नी वधिया खुशबू आ रही है। ठीक है, जेकर तुसी इदा सिंपल ते सौखे तरीके नाल बनाया करो आलू बैंगन भी फटाफट बन जाते हैं, और प्याज ना हमेशा लंबे लंबे जे कटिया करो, बहुत वधिया ते बहुत सौखे तरीके नाल बनते हैं। ठीक है जी, इधर आप हुण देखते हैं जी अपने बैंगनी नूं। आ देखो बैंगनी नूं हुण आप देखो हो गई ना थोड़ी जी भाप दे विच कलर चेंज हो गया, हुण आप इहनूं थोड़ा अलट पलट कर देंगे। ठीक है जी, इहनूं पलटी मरवा देंगे, जिहड़ा दूसरा पासा ना वो पक जूगा इस तरह करके। हुण इहनूं सारे बैंगणां नूं आपां इदां पलट देना। ठीक है जी, आ देखो इस तरीके नाल सारे तुसीं पलटी करवा दो इदां करके। फिर आपां इहनूं इस तरह ही भाप 'च ढक देंगे, ये बहुत जल्दी ते बहुत वधिया बन के तैयार हो जाती है। ये बिल्कुल सुके मसाले वाली भरमी बैंगनी बोलते हैं इहनूं। लो जी इदां करके सारियां नूं पलट के हूँ इनू आप फिर इस तरह ही ढक देंगे। ठीक है जी, तो लो जी आ देखो जी साढ़े आई आलू बैंगन बन के हो गए तैयार। आ देखो इस तरह बन जाते हैं, तुम भी इस तरह बनायो झटपट बन जाते हैं, कोई टाइम नहीं लगता। ठीक है जी, इधर तुम दिखाने कि साढ़े आ वाले बैंगन, आ देखो जी भरमी आप बैंगनी बनाई है ना ये भी साड़ी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। देखो बहुत सॉफ्ट जी तो वधिया बन जाती है। ठीक है, हुण इहनूं आपां ना साइड ते कर देंगे, जिहड़ा तेल होएगा बिल्कुल साइड ते निकल आएगा। तो इस तरह करके अपनी बैंगनी तुसीं बनायो, फिर मैनूं कमेंट करके जरूर दस्सियो। ठीक है जी, बाकी मेरी यह रेसिपी तुहानूं किद्दां दी लगी मैनूं जरूर दस्सियो, बहुत वधिया ते बहुत सौखे तरीके नाल बनदी है। बाकी मिलदी हां जी तुहानूं अगले ब्लॉग सारयां नूं मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल जी, बाय बाय।